एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस गाने के बारे में, क्योंकि ये जब गाना रिलीज़ हुआ था मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, एंड मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, एंड 91 में रिलीज़ हुआ था ये, एंड आई वाज बोर्न 95। तो मैंने ये गाना स्टूडियो में ही सुना था, जो अमल ने मुझे सुनाया था उसका वर्जन, तो उसके पहले मैंने नहीं उसके सुना। पहले सुना ही नहीं था मैंने ये गाना। एंड मैंने इसे ट्रीट किया कि कोई नया गाना अगर कोई बनाएगा, तो उसी तरह से मैंने ट्रीट किया कि दिस इज़ द सॉन्ग एंड आई हैव टू सिंग इट। मैंने मेरे पास कुछ मैंने रिविजन नहीं की कि पुराना गाना सुना फिर ये गाना रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो अमल ने जिस तरीके से मुझे कॉम्पोजिशन सुनाया उसी तरीके से आई अडेप्टेड इट एंड आई सैंग इट इन द स्टूडियो। सिर्फ 2-3 दिन पहले मैंने सुना इसके ओरिजिनल वर्जन को, एंड पता लगा कि वो गाना किस तरह का था, एंड जो हमने रिक्रिएट किया है वो बहुत ही अलग स्पेस का है, एंड लिरिक्स भी ऑलमोस्ट 80% अलग है। तो आई एम रियली हैप्पी कि इस गाने को इतनी सक्सेस मिली है एंड पीपल आर लविंग इट। एंड मैं भी कभी रिक्रिएशन करने मिले तो मैं करूँगा, एंड ऐसी ऐसी डेस्टिनी घूमी और एंड आई गॉट हेट स्टोरी 3, यानी एंड आज रिवर्स हुआ। उस टाइम पे मैंने ऑर्को को फ़ोन करके बोला था कि भाई ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपने बहुत अच्छा इसको रिक्रिएट किया। आज उनका मेरे जो फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा बना है, एंड तुम्हें अपना बनाने जो नदीम शरण जी ने जो म्यूज़िक किया था गुलशन जी के साथ, वो एक टीम थी वो जो 15-20 सालों तक लगातार सुपर हिट्स दे रही थी। जी, आज भी हिटिंग आज भी वो गाने आप रिक्शा वाले टैक्सी टैक्सी वाले क्लब्स में भी वो उसका रीमिक्स बजता, लोग पागल हो जाते हैं। जी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं जानता था कि ओरिजिनल बहुत ही बड़ा हिट है, तो उसको आज का गाना बनाने का जो एक रिक्रिएशन और रिकम्पोजिंग का जो मुझे पोजिशन दिया भूषण जी ने, तो मैंने बोला मैं ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा नहीं बना और अगर मैं खुश नहीं हूँ और आप खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे, बट ट्राई करते। और ये ट्राई करते करते मैंने एक नया अंतरा बनाया।